सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान कहाँ वास करेंगे वनवास काल में, ये बात प्रभु ने स्वयं श्री वाल्मीकि ऋषि से पूछा था। तो उन्होंने बहुत से स्थान बताए थे। उसमें एक जगह बताई थी, गुण तुम्हार समझें निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। प्रभु आप उसके अंदर वास करिए जो सारे गुणों को तुम्हारा समझते हो और सारी कमियों को अवगुणों को अपना मानते हो। गुण तुम्हार समझें निज दोषा, ये सब भांति तुम्हार भरोसा, और तुम्हारी कृपा पर पूरा विश्वास हो। तो ये है भक्त का स्वभाव। भक्तों कि भक्त जो कमी वाली बात जहां दिखलाई पड़ती है वो अपनी मान लेता है कि कमी मुझसे, मुझ में कमी है, गलती मुझसे हुई है। अपनी गलती मान लेना एक बड़प्पन की बात है। भक्तों बहुत बड़ा दिल होता वही अपनी गलती मानता है, नहीं तो व्यक्ति दूसरे की गलती बताता है, अपने को निर्दोष बताता है। आप सुन रहे थे महान चरित्र मीराबाई जी का, जिसमें कल आपको बताया गया था कि मीराबाई भगवान का दर्शन कर रही थी, सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे थे, और उन्होंने देखा कि उनके आवास के झरोके के बाहर कृष्ण जा रहे हैं और वो बिल्कुल उसी के बाहर जहां से जिस झरोके के बाहर वो जा रहे थे प्रभु, उसी के बाहर मीरा भी कूद पड़ी थी। और भक्तों ये जो उस समय भोजराज जी सोचते कि मुझे नहीं छूना है मीरा जी को, उनकी सखियों को, सहेलियों को, सेविकाओं को बुलाते हैं, तो उन सेविकाओं के आने के पहले मीरा जी बहुत गहराई में झरोखे के नीचे जमीन पर पत्थर पर गिर चुकी होती, जहाँ गिरने पर शरीर की रक्षा की संभावना नहीं थी। और यदि उनको बचाना है तो झरोखे से नीचे गिरने के पहले अपने हाथों से पकड़ लेना आवश्यक था, इसलिए दासियों को भी नहीं बुलाया और अपने वचन की रक्षा भी नहीं कर पाए, जो स्पर्श न करने का, छूने का, न छूने का वचन दिया था वो भी नहीं कर पाए, दासियों को भी बुला नहीं पाए जल्दी के कारण। और महाराज दोनों भुजाओं से बलिष्ठता के साथ, बहुत मजबूती के साथ गिरती हुई मीरा को पकड़ लिया और उन्हें उठा करके अंदर लाए और लिटा दिया उनको बिस्तर पर, क्योंकि वो होश में नहीं थी। वो उस समय बाह्य चेतना में नहीं थी, कृष्ण को पकड़ने के लिए भागी जा रही थी, और भोजराज ने देख लिया था कि ये तो झरोखा के बाहर इनका पैर जा चुका है, अब तो ये गई जमीन पर। इसलिए भोजराज ने
मजबूत हाथों से उनको पकड़ करके उठा करके अंदर कर लिया था। और सुरक्षा तो हो गई मीराबाई की, लेकिन जब भोजराज ने देखा कि मीराबाई को बचा तो लिया, प्रभु की कृपा है, लेकिन मेरा वचन टूट गया, भोज झूठा तो सिद्ध ही हो गया, अपनी बात पर खरा नहीं उतरा, झूठा सिद्ध हो गया, भोजराज का हृदय भर आया और यही कहने लगे कि दंड भुगते बिना मैं निर्दोष कहाँ से हो पाऊँगा, और मेरे पास समय अब कम है क्योंकि मुझे मृत्यु का समय दिखलाई पड़ रहा है, इसलिए आप कुछ दंड दीजिए मुझको जिससे मैं निर्दोष हो जाऊँ। मीराबाई ने कहा, आप दंड का कोई कार्य नहीं किए हैं, आपने मरते हुए मनुष्य को बचाने का पुण्य कार्य किया है, मैं तो मर जाती अभी झरोखे से नीचे गिर के, मुझे तो याद ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी असावधानी से सब कुछ हुआ है, इस दंड ही किसी को मिलना हो तो मुझको मिलना चाहिए, आपको नहीं। महाराज भोजराज व्याकुल होकर के बोल पड़े, प्रभु ये निर्दोष हैं, इनका कोई अपराध नहीं, प्रभु यदि आप दंड दीजिए तो मुझे दीजिए, इन निर्मल आत्मा को कभी भी नहीं सताना प्रभु। भोजराज के आंखों से आंसू गिरने लगे। मीराबाई ने कहा कि आप ऐसी छोटी बातों पर इतना रोएंगे तो कष्ट बढ़ जाएगा, वैसे ही आपको इतना घाव है शरीर में, विष बुझे धार से आप घायल हुए हैं, इसलिए स्वास्थ्य लाभ किसी तरह नहीं हो रहा है, आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, बस इन बातों पर जिन पर चर्चा आप कर रहे हैं बाद में सोचा जाएगा। मीरा की बात सुन करके महाराज भोजराज को एक हंसी, सूखी सी हल्की हंसी का सकते हैं आप आई, और बोले कि अब स्वास्थ्य लाभ कहाँ मैं कर सकता हूँ, अब तो मेरा आखिरी टाइम आ गया है, जो श्मशान है चित्तौड़ का, गंभीरी के तट पर श्मशान, अब तो वहीं स्वास्थ्य लाभ करेंगे, अर्थात अब स्वास्थ्य लाभ कहाँ, अब तो आखिरी टाइम है। भोजराज ने कहा कि मीरा जी से हाथ जोड़ करके एक महान भक्ता के रूप में देख कर उनको कि आपने मुझे क्षमा कर दिया तो मैंने आपको स्पर्श किया, आप मुझे मेरा कर्तव्य समझ करके मुझे पुण्य कार्य किया ऐसा बताती हुई आपने मुझे क्षमा कर दिया, मुझे आप दोषी नहीं मानते हैं, यही बहुत बड़ी बात है लाभ की कि आप से मैं क्षमादान प्राप्त कर लिया, मेरा दोष कुछ नहीं ऐसा आप मानती हैं, मैं योग्य तो नहीं हूं कुछ मांगने के कुछ कहने के, पर आज मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मीराबाई ने कहा, ऐसे आप क्यों कह रहे हैं, आप निवेदन मत करिए, आप बहुत महान हैं। मीराबाई ने भोजराज को कहा, आदेश दीजिए मुझको, मैं आपके आदेश का पालन करके प्रसन्न हो जाऊंगी। और दुख से संतप्त बैठे हुए भोजराज के सिर के केशों में उंगलियां फेरते हुए मीरा जी बोल रही थी, आप बोलिए, आप आदेश करिए मुझको, क्या आप चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। भोजराज ने कहा, अब अंत समय निकट है मेरा, मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है, एक बार प्रभु के दर्शन पा लेता तो मेरा यह जन्म सफल हो जाता,
आप कृपा कर सकते हैं और सब कुछ संभव है आपके द्वारा। भक्तों, मेरा भाई जो बैठे हुए भोजराज के सिर पर अपनी उंगली फेर रही थी, उनकी बड़ी बड़ी पलकें नेत्र की बंद हो गईं और केशों में घूमती उंगलियां भी रुक गईं। भोजराज को उसी समय लगा, पता नहीं मीरा भाई ने ठाकुर जी से प्रार्थना की थी या अपना कोई संकल्प किया था या कन्हैया ने ही उनके मन की बात समझ के लीला की कि उसी समय भोजराज को लगा कि उनकी आंखों के सामने सैकड़ों चंद्रमा का प्रकाश फैल गया और उसी दिव्य प्रकाश के मध्य एक सांवली सी सूरत, नीलिमा युक्त सांवली सी सूरत प्रकट हुई है भक्तों, भगवान कृष्ण की। जैसे रूप का समुद्र हो वो सलोनी मूर्ति, वो सांवली सी सूरत जब प्रकट हुई है उस दिव्य प्रकाश में भोजराज के नेत्रों के सम्मुख, तो नेत्रों में अथाह नेह भर करके बोली, भोज, वो कौन बोली? वो सांवली से सूरत बोली, अर्थात कन्हैया बोले, भोजराज से बोले भगवान श्री कृष्ण सम्मुख प्रकट होकर, भोज, तुमने मीरा की नहीं मेरी सेवा की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। भोजराज ने धीरे से बोला कि प्रभु, जो मुझसे अपराध हुआ, मैंने मीरा जी को छू दिया, वो? प्रभु हंस पड़े, बोले, जैसे रूप समुद्र में लहरें उठी हूं, ऐसे आनंद सागर जैसे उमड़ रहा था, ऐसे कृष्ण दिखलाई पड़े थे। ठाकुर जी बोले, स्वार्थ से किए गए कार्य अपराध बनते हैं भोज, तुम्हारे मन में तो स्वार्थ की कोई बात ही नहीं थी, तुम तो परम निस्वार्थ परोपकार की दृष्टि से, कर्तव्य पालन की दृष्टि से किए थे। स्वार्थ की दृष्टि से किया गया अपराध होता है और निस्वार्थ तो सारे कर्म फल मुझे ही अर्पित हो जाते हैं। जो कर्म निस्वार्थ होता है उसका कर्म फल कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझको अर्पित हो जाते हैं। भोजराज के नेत्रों के सम्मुख प्रकट हुए सुंदरता के निधान प्रभु भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, भोज, तुम मेरे हो, अब कहो क्या चाहिए तुम्हें, अब तो दर्शन तुमको प्रत्यक्ष मिल रहा है ना, बोलो क्या चाहते हो, मुझसे बोलो, तुम मेरे हो। महाराज, उस सुंदर से ठाकुर जी जो सम्मुख प्रकट हुए नेत्रों के सम्मुख उस दिव्य प्रकाश के मध्य में, उस मोहिनी मूर्ति ने दोनों हाथ फैला करके भोजराज को छाती से लगा लिया पकड़ करके। गोपाल ने भोजराज को अपने दोनों भुजाओं में पकड़ करके अपनी छाती से चिपका लिया और इतना आनंद आया कि आनंद के आवेग से भोजराज अचेत हो गए। आनंद की पराकाष्ठा में भोजराज की सहन शक्ति के बाहर का आनंद था, इसलिए भोजराज मूर्छित हो गए, अपने नयनों से कृष्ण को देख रहे थे, अपनी छाती से सटे हुए कृष्ण को सटाए हुए थे, परम दिव्य आनंद को प्राप्त करके निहाल हो गए थे भोजराज। आनंद आनंद ही आनंद, लेकिन वो आनंद सहन नहीं हो पाया तो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। और महाराज बहुत देर तक मूर्छित पड़े रहे, लगातार कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया था लेकिन
भौतिक शरीर उस दिव्य आनंद को झेल नहीं पा रहा था, इसलिए वो बेहोश हो गए थे। और जब चेत आया तब उन्होंने हाथ बढ़ाकर तुरंत मीरा जी की चरण रज धरती से उठा करके, जहाँ वो खड़ी थी उसके बगल की चरण रज उठाए भोजराज ने और अपने माथे पर लगा ली और बोले, पारस तो लोहे को सोना बनाता है, पर आप तो ऐसी पारस हैं कि लोहे को भी पारस बना दिया। दोनों ही भक्त आनंद मग्न थे, मीरा जी भी और शिव भोजराज जी भी। भक्तों, भोजराज से छोटे भाई रतन सिंह प्रातःकाल भगवान की पूजा करके महान आत्मा समझ करके, भाभी और भाई समझ करके मीरा जी और भोजराज का दर्शन करने के लिए रतन सिंह आए। उन्होंने सिर रख करके प्रणाम किया मीरा भाई को और भोजराज का भी चरण छू के प्रणाम किया और हाथ जोड़ के बोले, भैया घाव का क्या हाल है, आपकी आंखों से इतने आंसू क्यों गिर रही है। भोजराज ने बताया नहीं, लेकिन प्रेम विह्वल दशा में थे वो। बहुत मुश्किल से वाणी फूटी है, आंसू किसी तरह से रोकने का प्रयास कर पाए और अपने छोटे भाई रतन सिंह से बोले, भाई अब घाव को क्या हाल बताऊं, अब चला चली का टाइम आ गया। हाँ रतन सिंह, मैं तुमको तुम्हारी भाभी का भार सौंप रहा हूं, मुझे वचन दो कि इन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने दोगे, क्योंकि मैं तो नहीं रहूंगा अब, लेकिन तुम रहोगे और तुम इनको कोई कष्ट नहीं होने दोगे। एकांत में भोजराज ने रतन सिंह से कहा था। रतन सिंह चौंक पड़े, घबरा उठे, बोले, क्या करें आप, क्या करें बड़े भाई साहब, मुझसे आप ये क्या करें। और भाई की छाती पर सिर रख करके, छोटे भाई की छाती पर सिर रख करके भोजराज रो पड़े, बोले, वचन दो भाई, अन्यथा मेरे प्राण सहज नहीं निकल पाएंगे, अब अधिक समय नहीं है मेरे पास, तुम ये वचन दो कि अपनी भाभी को तुम कोई कष्ट नहीं होने दोगे। रतन सिंह जी ने भाई के चरण पर दाहिना हाथ रखा और आंखों से आंसू बहाते हुए बोले, भाभी सा को मैं अपनी कुल देवी बाण माता से भी अधिक पूज्य मानूंगा, इनका हर आदेश श्री जी के आदेश से भी अधिक अनिवार्य समझूंगा, इनके ऊपर आने वाली प्रत्येक विपत्ति को ये रतन सिंह की छाती झेलेगी। भोजराज ने हाथ बढ़ाकर भाई को छाती से लगा लिया और भक्तों, भोजराज को मन में बड़ा संतोष हुआ कि मेरे कर्तव्य को रतन सिंह अब संभालेगा, मैं तो अब नहीं जीवित रह पाऊंगा। हाँ, मरने के पहले मीरा बाई ने कृपा करके मुझे कन्हैया से मिला दिया, कन्हैया का दर्शन करा दिया, प्रभु ने अपनी छाती से चिपका करके कहा कि तुम मेरे हो, और जब प्रभु ने मुझे मेरा अपना बना लिया तो अब कोई चिंता की बात नहीं, अब तो उनके धाम ही जाना है। भाई रतन सिंह ने मीरा जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली थी, इसलिए भी भोजराज निश्चिंत हो गए थे। अब उनको लग रहा था कि अब दुनिया मेरा कर्तव्य सब पूरा हो चुका,
जिसलिए जन्म लिया था वो सब लक्ष्य प्राप्त हो गया। प्रभु मिल गए, उनका दर्शन मिल गया, उनकी छाती चिपक गया मैं। एक महान शक्त, महान भागवत भक्त मीराबाई की सेवा में ही जीवन पूरा हो गया। इसलिए इस जीवन का अब जो भी कुछ दायित्व तो था वो पूर्ण हो चुका है। और भक्तों, कृष्ण की उसी मंगलमय छवि को जिसको देखा था उन्होंने अपनी आंखों के सामने, उसी मंगलमय छवि को भोजराज अपने हृदय में सजोए हुए उसी का चिंतन करते 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 एक हल्की सी मुस्कान दिखलाई पड़ी उनके मुख पर, जैसे वो कृष्ण का दर्शन कर रहे हों। और कृष्ण की छवि हृदय में बसाए हुए, कृष्ण का नाम आधरों पर लिए हुए मीराबाई के आशीर्वाद को प्राप्त भोजराज ने शरीर छोड़ दिया। और दूसरे दिन चित्तौड़ के श्मशान गंभीरी के तट पर एक चंदन की चिता जल रही थी। राजमहल और नगर में हाहाकार व्याप्त था। यहां तक कि उन महान भक्त के वियोग को मीराबाई ने भी ऐसे देखा है कि नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। यद्यपि उनको कोई ममता मोह आसक्ति नहीं थी, लेकिन एक भक्त की विदाई हुई है, इस कारण से उनके नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। फिर वो सावधान हुई और उठ करके अपने सदैव के नित्य कर्म में लगी। और भोजराज की मृत्यु के बाद 12वें दिन बूढ़ी विधवा स्त्रियां आईं मीराबाई के हाथों की चूड़ियां उतारने के लिए। तो मीराबाई ने कहा कि आप सबको किसने कहा कि मेरे पति मर गए? मेरे पति तो कृष्ण हैं, द्वारकाधीश। ठाकुर जी कभी मरते हैं क्या? मीरा ने आश्चर्य से पूछा ऐसा। तो जो बूढ़ी विधवा स्त्रियां आई थी 12वें दिन, वो बोली कि क्या भोजराज आपके पति नहीं थे? फिर क्या थे आपके? ऐसा बचपना अच्छा नहीं लगता है भाई साहब। हुकुम आप उनके साथ ही तो चित्तौड़ में आई थी। तो मीराबाई जी बोली, वे तो मेरे मित्र थे भोजराज जी, मेरे मित्र थे, पति नहीं थे। पति तो मेरे द्वारकाधीश हैं, वो तो कभी नहीं मर सकते, अमर हैं। हाँ, वो मेरे मित्र थे भोजराज, इसलिए वे ले आए तो मैं आ गई थी। अब आप लोग वापस भेजेंगे तो मैं चली जाऊंगी, पर पति के रहते मैं चूड़ियां क्यों उतारूं? और ये बात महाराणा तक पहुंची भक्तों। तो सुनकर एक बार तो भी भरना गए, किंतु रतन सिंह ने निवेदन किया कि भाभी सा आरंभ से ही फरमाती थी कि उनके पति ठाकुर जी हैं, अब आज उन्होंने नया क्या कह दिया कि सब लोग बौखलाए फिर रहे हैं? यदि वे चूड़ियां नहीं उतारना चाहती हैं तो जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाभी सा ने अर्थात भाभी जी ने अपने प्रियतम अपने पति कृष्ण को ही सदा बताया था। और महाराज उनकी बात पर, रतन सिंह की बात पर महाराणा सांगा ने फिर मौन साध लिया। पिताजी भी थे, महाराजा भी थे, महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा जो थोड़ा नाराज हो रहे थे कि बहू कैसी है कि मेरा बेटा मर गया अर्थात उसका पति मर गया और चूड़ी नहीं उतार रही, लेकिन जब उन्होंने बतलाया रतन सिंह ने कि भाभी सा तो प्रियतम मानती थी, पति मानती थी, भगवान द्वारका थी, इसको तो क्यों चूड़ी उतारे, भगवान थोड़े मरते हैं कहीं,
रतन सिंह ने रनिवास में आकर के स्त्रियों को थोड़ी डांट लगाई। भगवान द्वारकाधीश जिसके पति हैं वो चूड़ी क्यों उतारेगी, तुम लोग क्यों शोरगुल कर रही हो। तो महाराज रतन सिंह की बात जिसने भी सुना वो आश्चर्य में डूब गया। स्त्रियों में तो महाराज रतन सिंह के सामने नहीं, लेकिन अलग से थू थू होने लगी मीरा जी के लिए। और मीरा जी कई लोगों की दृष्टि में उपेक्षिता हो गई, कई लोगों की दृष्टि में घृणिता हो गई। ये घर की बात है उनके, अर्थात चित्तौड़ की बात है, किंतु बाहर समाज में विशेष रूप से संत समाज में मीरा जी का मान बढ़ने लगा, मान बढ़ता गया बढ़ता गया। यहाँ तक कि पुष्कर आने वाले संत मीरा जी के दर्शन सत्संग के बिना अपनी यात्रा अधूरी मानने लगे कि जब हम पुष्कर पहुँचे हैं तो हमें मेड़ता जाना होगा और मेड़ता में जाके मीरा जी का दर्शन करना है, नहीं तो हमारी यात्रा अधूरी है। मीरा जी के सरल सीधे सादे किंतु मार्मिक भजन जन साधारण के मानस को खींच लेते थे। भक्तों, मीरा जी अपने प्रियतम द्वारकाधीश की भक्ति में सेवा में लगी हैं, परिवार को संभालने के लिए रतन सिंह लगे हुए हैं और संत लोग मीरा जी की भक्ति की सराहना करते हुए उनका दर्शन करते हैं। भक्तों, आगे और उनके चरित्र को हम सुनाएंगे फिर। आज मीरा जी को यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।